नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टेडी आईकैडियम स्वागत है आज आपके लिए राजस्थान पटवारी परीक्षा 2020 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट में आपको देने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आप देख सकते हो पिचहत्तर प्रतिशत के लगभग विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा जो है 28 फरवरी को हो कब हो अट्ठाईस फरवरी को जनवरी में नहीं हो मैं दोस्तों मेरी तरफ़ से कुछ नहीं बता रहा हूँ अपने जो विद्यार्थी है मैंने पोल क्रिएट किया है उसके बाद मैंने विद्यार्थियों का जवाब जाना है कि विद्यार्थी क्या चाहते हैं कि परीक्षा को कब करवाया जाए उनमें से जो है पच्चीस विद्यार्थी ऐसे भी हैं वो चाहते हैं कि परीक्षा सही समय पर हो जिनकी तैयारी अच्छी है वो चाहते हैं कि परीक्षा जनवरी में हो और जिनकी तैयारी नहीं है अभी अच्छी तो वो बोल रहे हैं विद्यार्थी कि परीक्षा 28 फरवरी को मैं आपको रियलिटी जो है वो बता देता हूँ जो भी विद्यार्थी ज़्यादा वोटिंग करेंगे उनका मैं जो है ज्ञापन दूंगा और सरकार से मांग करूँगा कि इनकी मांग रखी जाए ठीक है अब आप अच्छा समझे तो भी अच्छी बात है आप बुरा समझ रहे हो तो अच्छी बात है मैं दोस्तों जो विद्यार्थी ज़्यादा चाहते हैं कि ये होना चाहिए तो मैं उनके साथ रहूँगा ना कि दूसरों के साथ मैं दोनों के लिए बुरा नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि मैं तो चाहता हूँ कि दोनों का ही फायदा हो परंतु बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सर आप इनके साथ क्यों हो रहे हो तो दोस्तों यदि आप मान लो पाँच बच्चों हैं और 25 बच्चे हैं तो बुरा आप 500 का करोगे या 25 का करोगे मैं दोनों का नहीं कर रहा वैसे ठीक है तो आप बिल्कुल भी गलत मतलब इस बात का नहीं निकालें सभी विद्यार्थी तो दोस्तों ये मेरा YouTube चैनल है मैंने इसमें सर्वे किया था या आपने देख रखा भी होगा मेरा YouTube चैनल है स्टडी आई अकेडमी आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको सारी न्यूज वगैरह जो भी है वो आपको इजीली यहाँ से मिल जाती है जैसे कि आप देख रहे होंगे हर प्रकार की जानकारी हर भर्ती की जानकारी आपको यहां से मिल जाती है जो भी आप देखना चाहो आपको राजस्थान की पल पल की अपडेट यहां पर मिल जाएगी ठीक है मैंने प्ले भी क्लिक बना रखी है यहां पर कि आपको ग्राम सेवक की भर्ती के बारे में राजस्थान वन रक्षक के बारे में आपको क्रेश कोर्स वगैरह जो है राजस्थान और पटवारी पूरे सब की ठीक है अब मैंने कम्युनिटी यहां पर पोल जो है क्रिएट किया था ये देखो मैंने पोल बनाया था कल कि कौन-कौन विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा जनवरी में ना हो होकर 28 फरवरी को हो और सभी पेपर एक साथ हो नॉर्मलाइजेशन भी हो तो यहां पर जो है आप खुद देखिए जो 73% विद्यार्थी वो चाहते हैं कि परीक्षा जो है 28 फरवरी को हो जबकि जो है जनवरी में परीक्षा चाहने वाले तो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है बस आपको बोर्ड का, का हो चाहे आई आई टी जेई नीट या क्लास सिक्स से बारहवीं का सवाल हो इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड एप पर फिर कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर साथ ही डाउनलोड पर क्लास नौवीं से बारहवीं तक बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी आप पढ़ाई होगी डाउनहट ऐप पर तीन करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनहट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी जाइए और डाउनहट ऐप को क्या कीजिए इंस्टॉल कीजिएगा केवल 27% यानी कि आप सोच सकते हो कि 750 लगभग विद्यार्थी 750 के लगभग विद्यार्थी चाहते हैं परीक्षा जनवरी में हो अच्छी बात है बहुत अच्छे विद्यार्थी है ये जो चाहते हैं ऐसी बात कि साढ़े सात सौ विद्यार्थी है क्योंकि इनकी तैयारी इतनी अच्छी है कि ये सिलेक्शन ले सकते हैं तो मेरी तरफ से इन सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक और आग आगे भी मान लो डेट भी किसक भी जाती है तो आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाएगी आपको मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं आपको बिल्कुल तैयारी करनी है आपको फालतू की बातों में नहीं आना है मैं साढ़े सात सौ विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं वो और भी विद्यार्थी ये भी आदमी ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा लगभग वो विद्यार्थी भी है कितने हैं लगभग दो हजार के लगभग विद्यार्थी इतने से एक पोल क्रिएट करने पे दो हजार विद्यार्थी ऐसे मिले हैं जो चाहते हैं कि परीक्षा जनवरी में नहीं हो और परीक्षा एक साथ हो तो नॉर्मलाइजेशन भी हो क्योंकि यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो इसमें विद्यार्थियों को परेशानी उठाना पड़ सकता है जैसे कि मान लो दस तारीख को पेपर है और एक का चौबीस तारीख को है तो आप खुद जानते हो कि आजकल विद्यार्थी जो है यूट्यूब के माध्यम से पता लगा लेते हैं पेपर कैसा आया है आप जल जा जा, जा के पता लगाओगे पेपर ऐसा आया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उन्हें जल्दी जल्दी जा करके पढ़ लोगे ठीक है तो इससे क्या है आपको तो नुकसान हो जाएगा चौबीस तारीख वालों को फ़ायदा होगा तो खुद आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कुछ भी हो या नहीं हो परंतु जो है परीक्षा की डेट लगातार होनी चाहिए जैसे कि पुलिस की हुई थी छः सात आठ को तो लगातार इस प्रकार होनी चाहिए या परीक्षा को आगे किस का हो और परीक्षा लगातार होनी चाहिए मैं इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल क्योंकि ये परीक्षा जो है लंबे लंबे समय में चल रही है इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी कोई चर्चा नहीं की गई है यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो अच्छी बात है मैं दोनों विद्यार्थियों के साथ हूँ जो विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा हो और जो नहीं चाहते हैं उनके साथ भी हूँ मैं तो दोनों के साथ हूँ कोई भी बुरी समझने की बात नहीं है अपडेट जो भी होगी मैं दोनों को अपडेट दूंगा ठीक है आज की जो अपडेट थी मैंने पोल क्रिएट किया था वो तो मैंने आपको बता दिया कि पोल में जो बच्चों ने क्या कहा है ये आप खुद जानते हो एक दिन पहले भी मैंने पोल क्रिएट किया था उसमें भी विद्यार्थियों ने यही कहा था उसमें भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो मैं जो भी मैंने पोल क्रिएट किए हैं उसमें जो है ये आया है कि जो है परीक्षा नहीं हो कब परीक्षा अभी नहीं हो यह आप खुद जानते हो मैंने पोल क्रिएट कर रखा है तो यह आपके लिए जो भी मैं सूचना होती है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो सूचना दी गई है अभी आपको ये पसंद आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसका गलत मतलब बिल्कुल भी ना निकाले विद्यार्थी